ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। किसी भी बिजनेस को ठीक ढंग से चलाने के लिए, लाभ कमाने के लिए आवश्यक है कि हम तरीके से उसका हिसाब किताब रखें। पहले यह कार्य पूरी तरह से मैनुअल होता था, किंतु आज ये पूरा काम कंप्यूटर की मदद से होता है। अब अधिकतर व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं वो कंप्यूटर की सहायता से ही संचालित की जा रही हैं। पहले जो मैनुअल अकाउंट हम घंटों या दिनों में करते थे, कंप्यूटर अकाउंटिंग की मदद से आज वो काम बिना किसी गलती के मिनटों में हो जाता है। कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करने के लिए हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद लेना होती है और टैली उसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि इस पर काम करना बहुत ही आसान है और बड़ी आसानी से कंप्यूटर अकाउंटिंग की जा सकती है। भारत और बाहर के कई देशों में यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हम आपको टैली ERP 9 पर काम करना सिखाएंगे। टैली सिखाने का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग टैली। टैली सिखाने का हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के या बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं उनको कंप्यूटर अकाउंटिंग सिखाई जाए। जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं उनको तो उसकी जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पता होती है, उनके लिए वैसे भी इस पर काम करना आसान होता है। पर हमारा उद्देश्य है कि जो बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं या विद्यार्थी हैं वो भी इन वीडियोस को देख करके टैली पर काम करना सीख सकें और कंप्यूटर अकाउंटिंग कर सकें। दूसरा हमारा उद्देश्य है रोजगार प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं वो भी कंप्यूटर अकाउंटिंग अगर सीख लेते हैं तो अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। इस प्रकार से टैली जो है उनकी रोजगार प्राप्त करने में मदद करता है। क्योंकि पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी तो जो शुरू से मैनुअल अकाउंटिंग करते आए हैं ऐसे लोगों को अब कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हालांकि उनको अकाउंटिंग कैसे करना है ये आता है, पर कंप्यूटर अकाउंटिंग कैसे किया जाए या टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे किया जाए ये उनको नहीं आता है। तो उनको भी इसमें सहायता मिल जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही अगर कोई हमारा अपना छोटा मोटा बिजनेस है उसकी अकाउंटिंग हम खुद कर सकें उसमें भी ये वीडियोस मदद करेंगे। टैली सिखाने का आधार, बेस ऑफ टीचिंग टैली। यहाँ पर टैली सिखाने के जो हमने आधार बनाए हैं उसमें सबसे पहला है सिंप्लिसिटी यानी सरलता। हमने कोशिश की है कि टैली को एक सिरे से न सिखा करके जो सरल चीज़ें हैं उनको पहले लिया जाए। जिस तरह के स्कूल में जब छोटा बच्चा जाता है और उसको ABCD लिखना सिखाई जाती है तो उसको शुरू से A से लेकर के Z तक न सिखा करके जो अक्षर उसके लिए बनाना आसान होते हैं वो उसे पहले सिखाए जाते हैं और जो थोड़े रिलेटिवली कठिन हैं वो बाद में सिखाए जाते हैं। उसी तरह हमने भी टैली सिखाने का आधार सरलता को रखा है कि जो चीज़ें सरल हो वो पहले सिखाई जाएं और फिर धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ा जाए। दूसरी चीज़ है कि इस उपक्रम में हमने थोड़ा सा हो सकता है लॉन्ग रूट लिया हो, बजाय शॉर्टकट को अपनाने के कि जिसमें कठिनाइयां या कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा आएं, हमने कोशिश की है कि भले ही थोड़ा लंबा रास्ता हो पर आसान हो और जहाँ पर आपको काम करना थोड़ा सा सरल लगे ताकि आपको टैली सॉफ्टवेयर पर काम करना मुश्किल न लगे। जिससे कि हमारा तीसरा आधार भी यहाँ पर आ जाता है, वो है इसको भय रहित बनाना। टैली पर काम करने में आपको डर न लगे, घबराहट न हो या ऐसा न लगे कि टैली सीखना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए हमने ये आधार चुने हैं कि यह सिंपल हो, ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हो, जिसमें कि अच्छे से चीज़ें समझाई गई हैं भले ही उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगे या ज़्यादा लंबा समय लगे, और अंततः आपको भयमुक्त बनाना, फियर फ्री करना। टैली सिखाने के स्तर, डिफरेंट लेवल्स फॉर टीचिंग टैली। जैसा कि टैली सिखाने के लिए हमने आधार बनाया है सरलता यानी सिंप्लिसिटी को, इसीलिए टैली सिखाने के लिए हमने इसे अलग अलग स्तर में यानी लेवल्स में बांट दिया है। सबसे पहला है बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में
हम जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक परिचय आपको दे देंगे, ताकि आप जान सकें कि इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अगर हमको यूज़ करना है तो क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, और किस तरह से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काम करता है। और बेसिक लेवल पर जब आप चीज़ें सीखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ करना इतना कठिन नहीं है, बड़ा आसान है। पर यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाएंगे। दूसरा लेवल है इंटरमीडिएट लेवल। इस लेवल पर वो सारे काम आ जाएंगे अकाउंटिंग के, जो कि एक अकाउंटेंट के तौर पर रेगुलरली आपको करना होते हैं, और जिस तरह से किसी भी बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करना होता है, वो सारी चीज़ें आप इस लेवल पर सीख पाएंगे। तीसरा लेवल है एडवांस्ड लेवल। ये मैनेजरियल लेवल पर काम आने वाली चीज़ें इसमें शामिल होंगी, और ख़ास तौर पर ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको बिजनेस को पूरा सुपरवाइज करना है या उसको मैनेज करना है। इस लेवल पर जो भी उलझन भरी रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स को बनाना, उनका अध्ययन करना, और इस तरह की एडवांस्ड चीज़ें शामिल होंगी।